अलमेकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर एलेवन कम्प्लीट कर लिया था होमोस्थेसिस का अब हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन होता है कोऑर्डिनेट करना मिलकर करना ठीक है सब मिल पार्टिसिपेट करें सब मिलकर सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं अपनी डेली लाइफ में तो हम हमारे पास बहुत सी मशीनें हैं ठीक है जूसर मशीन है हर चीज़ में मतलब मैं कोई ना कोई कंट्रोल सिस्टम लगाता ठीक है दूसर मशीन है वॉशिंग मशीन है एसी है हमारी यहाँ मोटर पंप वाला वो वाली मोटर है तो हर उसमें ना कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई चीज़ लगी होती है जैसे मशीन में कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ लगी होती है वैसे ही क्या है हमारी बॉडी में भी होता है जैसे टीवी है तो टीवी को को बंद करना या चलाने के लिए रिमोट होता है ना वैसे ही हमारी बॉडी के में भी क्या है कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में भी एक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है कि जो हमारी तमाम एक्टिविटीज़ को तमाम मैसेजेस को लेता है रिसीव करता है रिस्पॉन्स करता है एंड देन फिर हम कंट्रोल करता है कि ठीक है ये अब सबसे पहले मैं इसी एग्जाम्पल देती हूँ आपको रनिंग की ठीक है सपोज कर लें कि अब हमने करना है एक बॉय है वो रन कर रहा है किसी बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है ठीक है हंड्रेड ऑफ मसल जो हैं उसके इस चीज़ में लगेंगे हंड्रेड ऑफ मसल जो हैं वो जवाइन होंगे कोऑर्डिनेट करेंगे देन फिर वो उसकी तरफ भागेगा उसकी लेग्स इन्वॉल्व होंगी उसकी मतलब हर चीज़ इन्वॉल्व होगी देन वो फिर जाके उस बॉल को पकड़ेगा ठीक है ठीक है उसमें उसकी नर्वस सिस्टम जो है काम कर रहा है उसके सेंस ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उस मसल्स के साथ ठीक है हत्ता के जब वो भागता है बोल पकड़ने के लिए तो उसका हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है उसकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाता है ईच एंड एवरी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है ठीक है हत्ता के ब्लड प्रेशर भी एडजस्ट नहीं होता एक्स्ट्रा हीट रिमूव होती है बॉडी से ठीक है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए ये चीज़ ना कम हो जाए वो चीज़ ना कम हो जाए ठीक है तो ये सारी चीज़ें ना इस चीज़ के लिए होती हैं कि उसने बॉल पकड़नी है तो हमारी बॉडी बहुत डिफ़िकल्ट वर्क उस टाइम पे परफॉर्म करी होती है यानी कि हंड्रेड ऑफ मसल्स सिर्फ एक बॉल पकड़ने के लिए हंड्रेड ऑफ़ मसल जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं इतनी सारी चीज़ों से ब्रीथिंग से हार्ट बीट से पल्स रेट से अब अब जो हमारी बॉडी है वो एज अ यूनिट काम करती है एज ए यूनिट काम करती है एक वर्क परफॉर्म करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को लेती है इसका कोपरेट करती है और कर वर्क करती है और दैन फिर आपस में वो वर्क करती है दैन फिर हम हर चीज़ को कोटेन करते हैं ठीक है अब इसके बाद मैं आपसे बात कर लेती हूँ उनके टाइप्स ऑफ तो कोऑर्डिनेशन की तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में दो टाइप्स होती हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन की और केमिकल कोऑर्डिनेशन की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारा इन्वॉल्व होता है नर्वस सिस्टम अब नर्वस सिस्टम में हमारी दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ठीक है अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन इन्वॉल्व होता है एंडोक्राइन सिस्टम और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं सेक्रेट करते हैं एनिमल्स में एंडोक्राइन एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है मींस केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है इनकी बॉडी में लेकिन प्लांट्स में ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन वो थ्रू हॉर्मोन्स के हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो नर्वस सिस्टम के थ्रू भी और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू दोनों के थ्रू अपने कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं ठीक है अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं अब कोऑर्डिनेशन जो है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होती है ठीक है यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी में सिर्फ वन सेल होता है ठीक है रिस्पॉन्स स्टिमूलाई का करते हैं अबाउट थ्रू तीस केमिकल्स केमिकल्स के थ्रू ठीक है अब अब बात कर लेते हैं कॉर्डिनेटिंग एक्शन होता होता कैसे है बेसिकली अगर कोर्डिनेशी कॉर्डिनेटिंग एक्शन की बात करें तो इसमें फाइव स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं स्टिमुलस होता है रिसेप्टर होता है कॉर्डिनेटर होता है फैक्टर होता है रिस्पॉन्स होता है ठीक है अब स्टिमुलस सबसे पहले स्टिमुलस की बात कर लेते हैं मैं बेस बेसिक पर्पस इसका थोड़ा 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 पहले व्यू दूँगी दैन फिर मैं आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा मतलब आगे थोड़ा सा लेके चलूंगी देन फिर थोड़ा सा आगे लेके कर चलूँगी ठीक है स्टिमुलस की बात करें तो स्टिमुलस में क्या होता है इन्वा ठीक है स्टिमुलस में क्या होता है कि इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल जितना भी हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग की आई है ठीक है उसके बाद रिसेप्टर में क्या होता है कि उस चेंजिंग को एक्सेप्ट किसने किया है महसूस किसने किया है ठीक है महसूस करने के बाद फिर क्या हुआ है मैसेज गया किसके पास है कोऑर्डिनेटर के पास कोऑर्डिनेटर ने आइए क्या करना है कोऑर्डिनेटर ने अफेक्टर को क्या कहना है कि हमें क्या करना चाहिए हुक्म देना है उसने यही कह लो और फिर हुक्म देगा कोऑर्डिनेटर हुक, अफेक्टर कोऑर्डिनेटर अफैक्ट अफैक्टर्स फेक्ट, को करेगा रेगुलेट और फैक्टर्स आगे बताएंगे कि हमने रिस्पांस में क्या करना है अब बेसिकली इसकी एग्जांपल्स ले चलते हैं हम देखिए अगर हमने किसी क्रॉकरी को हैंड लगा लिया किसी भी बर्तन को हैंड लगाया जो गर्म था ठीक है गर्म था हम फौरन पीछे हटा लेते हैं क्यों हटाते हैं हमें क्यों कैसे पता चलता है कि हमें हटाना है ठीक है जैसे ही हम हमने किसी स्टिमुलस को बाय चांस हमने अपना हाथ लगा लिया हमें लगा वो गर्म है हमने फ़ौरन क्या हुआ कि ये चीज़ महसूस कर ली हमारे रिसेप्टर्स ने अब रिसेप्टर्स में हमारे कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होंगे ऑल ऑर्गन हमारा स्किन एक रिसेप्टर है ठीक है जो हमारे स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है टिश्यूज़ अब स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन भी होते हैं अभी मैंने बताया स्किन भी हमारा ऑर्गन है आई नोज हेयर आई जो है देखने के लिए सेंस को सेंस करती है नोज जो है वो सूंघने के लिए हेरिंग ऐसी स्किन जो है वो महसूस करने के लिए ऐसे ही टिश्यूज़ और सेल्स भी करते हैं फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे अब उसकी ले रहे थे ना कि हीट मतलब गर्म हाथ से हमने पीछे कैसे टा लिया स्टिमुलस आई एक्सटर्नल इन्वामेंट में हमें पता चला गर्म है फ़ौर हमारे सेंस ऑर्गन्स ने हमारी बॉडी ने हमारी स्किन ने फ़ौर रिसीव कर लिया फ़ौर एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो है गर्म है ठीक है फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया अब जब एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया तो फ़ोरन मैसेज जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास अब ये कोऑर्डिनेटर क्या है कोऑर्डिनेटर में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे आगे चीज़ों को रेगुलेट करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए ठीक है ये फ़ौरन मैसेज देंगे अफेक्टर को ठीक है अब कोऑर्डिनेटर नर्वस भी हो सकती है और केमिकली कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है ठीक है अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होंगे और जबकि ये मींस के नर्व इंपल्स जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगी और मैसेज देंगी नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूरोन को कि हमें करना क्या चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स ठीक है अगर हम दूसरे दूसरी तरफ बात करूँ तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे एंडोक्राइन्स ग्लैंड रिलीज़ होंगे जो कोऑर्डिनेटर को परफॉर्म करेंगे वो रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स या वेरियस केमिकल के को परफॉर्म करेंगे और सक्रीड करेंगे हार्मोन्स को ठीक है हार्मोन्स की फॉर्म में वो कोऑर्डिनेशन करेंगे ठीक है यानी कोऑर्डिनेशन में नर्वस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और इसमें एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होगा अब जब ये कर लेगा तो ये इफेक्टर को क्या कहेगा ये अफेक्टर ऐसे पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो रिसीव करते हैं मैसेज किससे कोऑर्डिनेटर से और परफॉर्म करते हैं आगे कहते हैं कि हमने ये रिस्पॉन्स दें और नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज को ले लेते हैं किससे कोऑर्डिनेटर से यानी मेन मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अगर हमारे मसल्स वर्क कर रहे हैं तो मसल्स को देंगे ग्लैंड वर्क कर रहे हैं तो ग्लैंड्स को देंगे ठीक है जो अफेक्टर के तौर पर एक्ट करता है ठीक है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे जो हैं वो रिसीव करते हैं कैदी करते हैं मैसेज कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन सिस्टम से ठीक है जब वो एंडोक्राइन सिस्टम से कर लेंगे और वो टारगेट टिश्यूज़ तक जाए को को दे देंगे जो अफेक्टर के तौर पर एक्ट करेगा ठीक है अब हारमोन्स की बात करें तो नेफ्रॉन्स जो हैं हारमोन्स में एज अ फैक्टर काम करते हैं बोन और जो लीवर होता है वो एज अ फैक्टर काम करते हैं बहुत सारे हारमोन्स के लिए ये भी अब जब अफेक्टर जो है वो रिसीव कर लेगा अफेक्टर ने रिसीव कर लिया मैसेज कोऑर्डिनेटर से तो फैक्टर परफॉर्म करेगा अपना एक्शन ठीक है गर्म थी चीज़ रिसेप्टर ने महसूस कर ली इसने आगे ब्रेन को बताई ब्रेन ने आगे फैक्टर को रेगुलेट किया फैक्टर को बताया कि टारगेट सेल के पास को ऊंचाओ मैसेज ठीक है अब क्या हुआ कि एक्शन परफॉर्म करेगी जो फैक्टर जो, जो है बता, कहेगी कि ये एक्शन में परफॉर्म करना है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स ठीक है, है। अब देख लेते हैं कि अब अब हमने अफेक्टर ने कहा है कि अपना हाथ फ़ौरन से पीछे कर लो ठीक है क्योंकि चीज़ क्या है गर्म है ठीक है चीज़ क्या है गर्म है जब हम फ़ौर से अपना हैंड्स हैं पीछे से रिमूव कर लेंगे उधर से तो फ़ौर फ़ौर पता चलेगा कि चीज़ गर्म है और फैक्टर में फ़ौरन रिस्पॉन्स देगा कि इसको पीछे हटा लो ये चीज़ गर्म है आपको नुकसान पहुँचा सकता है ऐसे ही सनफ्लावर की एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ही धूप निकलती है तो वो स्टिमुलस स्टिमुलेट करता है स्टिमुलस महसूस करता है देन फिर ये तब्दीली को एक्सटर्नल इन्वामेंट चेंजिंग का रिसेप्टर महसूस की देन कोऑर्डिनेटर के पास मैसेज किया यानी और फिर अफेक्टर के पास अफेक्टर ने क्या किया रिस्पॉन्स में क्या किया कि उसका जो है लाइट की तरफ उसका मुंह करवा दिया फ्लावर का ठीक है इस तरह से क्या है कोऑर्डिनेशन और ये देखें अब हमारा किसी भी चीज़ को गरम हम फोन हटा लेते हैं आप लोग ये इमेजिन करें कि इतना लंबा प्रोसीजर है कितने सेकंड्स भी नहीं लगते इस इस प्रोसीजर को होने वक्त जो से रिसेप्टर पे पास गया रिसेप्टर कोर्डिनेटर कोर्डिनेस अफेक्टेड दैन रिस्पॉन्स के पास सेकंड्स भी नहीं लगते इस टाइम में और देखें सेकेंड्स में कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता है ठीक है अब मैं बात करूँ तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है वो इमीडिएट होती है ठीक है फौरी होती है लेकिन वो शॉर्ट लिविंग होती है ठीक है लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो प्रोड्यूस करती है मतलब स्लो होती है लेकिन लॉन्ग रिस्प, लिविंग रिस्पॉन्स होता है ठीक है इसका ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट कोर्डिनेशन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन एक्शन हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है हमें कैसे पता चलता है अगर को हमने कोई चीज़ सुननी है खानी है पीनी है सोना होता है हमने हमें कैसे पता चलता है कि हम इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस के थ्रू होता है तो इधर तक था अगर स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच